डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनसीईआरटी का ये मैथ है क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 7.3। तो इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं इसको आपको पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करके देता जाऊँगा। फर्स्ट में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, राइट द फ्रैक्शंस। सबसे पहले तो फ्रैक्शन लिखना है इसका, तो यहाँ पर सारे फ्रैक्शन मैंने पहले से ही लिख दिया है। एक्चुअली मैं इसका वीडियो शूट कर चुका था लेकिन कुछ मिस्टेक होने के कारण जो है फिर से मैं इसको शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लिखे गए हैं इसको मैं सिर्फ समझा देता हूँ आप लोगों को, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, आर ऑल दिज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। क्या ये सभी फ्रैक्शन जो यहाँ पे बने हैं वो सभी इक्विवेलेंट हैं? तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसका वैल्यू सेम होना, उसका मान जो है इक्वल होना, वैल्यू सेम होना। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जैसे बना हुआ है तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मेरे वीडियो में आप लोगों को विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम होगा आपको साउंड क्वालिटी में। साउंड तो आपको सुनाई देगा लेकिन रात में मैं अक्सर शूट करता हूँ तो आप लोगों को झिंगुरों की आवाज़ सुनाई देगा, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका फ्रैक्शन क्या लिखाएगा। सबसे पहले टू पार्ट में है, ये टोटल टू पार्ट है, ठीक है। तो नीचे में जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा टू और वन पार्ट जो है इसका सेलेड है तो वन हो गया, वन बाई टू हो गया। तो सेलेड पार्ट जो होता है ऊपर में लिखा जाता है, जैसे टू बाई फोर, ये टोटल पार्ट फोर है तो फोर, और टू सेलेड है तो टू, टू बाई फोर, ठीक है। अब ये लिखा गया और नेक्स्ट पार्ट यहाँ जो दिया हुआ है इसमें थ्री पार्ट सेलेड है तो थ्री ऊपर में आ गया और टोटल पार्ट सिक्स हो गया तो थ्री बाई सिक्स हो गया। और इसमें उसी तरह से लिखा हुआ है तो सेलेड पार्ट जो है वो फोर है, अनसेलेड फोर, मतलब टोटल पार्ट हो गया एट, फोर बाई एट हो गया। तो इसको क्या करना है, इसको पता करने के लिए कि सब का वैल्यू सेम है या नहीं, सभी इक्विवेलेंट है या नहीं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इसको काट के जितना भी छोटा बन सकता है उतना छोटा हम इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे टू बाई फोर है तो टू टू जा फोर कट गया, ये तो कट गया, तो ये कट के क्या आया, वन बाई टू आया, ये वन बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह से थ्री बाई सिक्स यहाँ दिया हुआ है तो थ्री बाई सिक्स, थ्री टू जा सिक्स कटता है तो ये भी कट के क्या आया, वन बाई टू बन गया। और यहाँ पे फोर टू जाए एट होता है तो यहाँ पे ये भी वो टू जो है टू बार में कट गया, इसका मतलब है कि ऊपर में वन हो जाएगा और नीचे में टू, तो वन बाई टू। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, यहाँ पे बट्टा का चिन्ह नहीं लगाया था, बाय का चिन्ह नहीं लगा, वन बाई टू हो गया। तो यहाँ पे अब देखना ये है, ये वन बाई टू है, ये भी वन बाई टू है, ये भी वन बाई टू, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये कटने वाला है नहीं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो सब जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद इक्वल है, इसीलिए इसका आंसर होगा यस, ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इस तरह से ये हो जाएगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये ऑलरेडी, ये तो विशेष बनाने का क्वेश्चन नहीं है, स्पेशली समझने का क्वेश्चन है। उसी तरह से यहाँ पे बी नंबर में भी उसी तरह का दिया हुआ है। आपको अगर क्लियरली ये पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दे दूँगा, दोनों ही क्वेश्चन का क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दे दूँगा, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वन टू थ्री फोर, फोर और फोर एट हो गया, फोर ट्वेल्व हो गया, तो यहाँ पे टोटल ट्वेल्व ये जो है सर्कल बनाया हुआ है तो ट्वेल्व नीचे में आ गया और फोर सेडेड है तो फोर बाई ट्वेल्व हो गया, फोर बाई ट्वेल्व। उसके बाद यहाँ पे नाइन सर्कल बना हुआ है तो नीचे में नाइन हो गया और थ्री सेड है तो सेडेड जो है वो थ्री ऊपर में हो गया, थ्री बाई नाइन ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सिक्स सर्कल दिया हुआ है, सिक्स टोटल यहाँ पर हो गया और टू जो है सेडेड है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। तो टू बाई सिक्स हो गया और यहाँ पे वन सेलेड है और टोटल जो है थ्री है तो वन बाई थ्री हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव 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 टेन हो गया और फाइव फिफ्टीन हो गया तो नीचे में फिफ्टीन फिफ्टीन आ गया। और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, यहाँ पे सेलेड पार्ट है सिक्स तो सिक्स बाई फिफ्टीन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट पता करने के लिए हमको सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो सबको मैंने काट दिया, सब कटा हुआ है। यहाँ पे फोर थ्री या ट्वेल्व, थ्री बार में कट गया, मतलब है कि जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ वन होता है, ठीक है। कटने के बाद जो है तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब है कि वन है और ये थ्री, तो वन बाई थ्री हो गया। यहाँ पे थ्री थ्री जा नाइन तो यहाँ पे वन हो गया और नीचे में थ्री तो वन बाई थ्री हो गया। और उसी तरह से टू थ्री जा सिक्स, वन ऊपर में हो जाएगा तो वन बाई थ्री, ये भी वन बाई थ्री और ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, ये कटने वाला नहीं है। तो यहाँ भी वन बाई थ्री, यहाँ भी वन बाई थ्री, यहाँ भी वन बाई थ्री और यहाँ भी वन बाई थ्री। अब यहाँ पे सिक्स को, यहाँ पे मतलब सिक्स बाई फिफ्टीन जो है कटेगा किससे, कटेगा सिक्स से डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो ये कटेगा किससे, कट रहा है थ्री से कट रहा है, थ्री टू जा सिक्स तो इसको ही काटना था, थ्री टू जा सिक्स कट गया
और 3 5 15, तो कितना बार में किया 2/5, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका ये हो गया 2/5। तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब सभी यहाँ पे जो फ्रैक्शन जो आया वो इक्विवेलेंट नहीं है, तो नहीं है इसीलिए इसको नौ लिख दिए और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये वन नंबर का कंप्लीट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे टू नंबर, ठीक है, टू नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले सबका फ्रैक्शन लिखना है, उसके बाद नीचे में भी दिया हुआ है तो इसके साथ इसको मैच करना है। ठीक है, फ्रैक्शंस एंड पेयर अप, पेयर अप मतलब जोड़ा मिलाना है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम इच रो, तो इस रो के साथ इस रो का कौन सा फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है, उसका वैल्यू सेम है, दोनों इक्वल वैल्यू का आएगा वो उसी के साथ मैच करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 1/2, टू पार्ट में है और ये 1 सेडेड है। ठीक है, तो 1/2 हो गया और यहाँ पे 6 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट में है और 4 सेडेड है, तो 4/6 हो गया। और इसी तरह से तो यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दिया गया है, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिए हैं, 2/3 हो गया ये कट कट के। और यहाँ पे फिर 9 पार्ट दिया हुआ है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट दिया हुआ है, जिसमें से 9 यहाँ हो गया, जिसमें से 3 सेडेड है, तो 3/9 हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/3। उसके बाद यहाँ पे कितना दिया, 1 2 3 4 4 4 8 पार्ट दिया हुआ है, टोटल 8 पार्ट और 2 सेडेड है, 2/8 हो गया। अब इसको जब हम काट दिए तो इसको काट दिए तो कितना हो गया, 1/4, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 1/4 में। उसके बाद ये हो गया 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट है यहाँ पे, तो 4 हो गया और 3 सेडेड है, तो 3 3/4, ये कटने वाला नहीं, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया ए बी सी डी ई और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसको लिखना होगा, इसको लिखना होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 चल रहा है एक लाइन में, 6 2 12 6 3 18 18 टोटल यहाँ पे ट्रेंगल्स बना हुआ है, तो 18 नीचे में हो गया और सेडेड कितना, 1 2 3 4 5 6 6 बाय 18 6 बाय 18, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट दिए हैं, 6 3 जा 18, ये 1 हो गया, तो 1/, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर में, 1 2 3 4 4 2 जा 8, मतलब 8 पार्ट टोटल हो गया और सेडेड पार्ट है 1 2 3 4, तो 4/8 हो गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसको 4 2 जा 8 कट गया ये, तो 1/2 मतलब 1/2 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल कितना पार्ट है, 1 2 3 4 4 4 8 हो गया, 8 और 8 16 16, यहाँ पे टोटल पार्ट आ गया और कितना सेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बाय 16, तो ये किससे कटेगा, 4 का 12 से कट गया, 4 3 जा 12 4 4 जा 16, मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3/4। और यहाँ पे इसका टोटल पार्ट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पार्ट हो गया टोटल, और इसमें से सेलेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बाय 12, तो ये किससे कट गया, तो ये 4 से कट गया, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 2/3। और यहाँ पे ये टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 हो गया, 16 टोटल पार्ट जिसमें से सेलेड है ओनली 4 4 बाय 16, तो 4 4 जा 16 होता है, तो ऊपर 1 और नीचे में 4 1/4, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे जिसके साथ जो मिलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में वो उसके साथ मैच करेगा, जैसे कि यहाँ पे ये ए नंबर का जो है वो मैच किया हुआ है इसके साथ, तो यहाँ पे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 है, इसीलिए ये इसके साथ मैच किया। ठीक है, अब यहाँ पे बी नंबर में 2/3, तो 2/3 किसके साथ है, यहाँ पे देखिए ये इसके साथ है 2/3, तो बी नंबर जो है वो 4 नंबर के साथ मैच किया। उसके बाद सी नंबर 1/3 है, तो 1/3 किसके साथ है, 1 नंबर फर्स्ट नंबर में है 1/3, इसीलिए ये इसके साथ मैच किया, सी नंबर 1 नंबर में मैच किया। ठीक है, उसके बाद डी जो है इसमें क्या है, 1/4, डी में 1/4 है, तो 1/4 है कहाँ, 1/4 यहाँ पे है 5 नंबर में, तो डी गया 5 के साथ। ठीक है, अब जो है लास्ट में ये है 3/4, तो कौन है 3/4, यहाँ पे 3/4 ये मैच किया इसके साथ, ई नंबर का 3 नंबर में ये मैच किया। इस तरह से हम लोग इसको मैच कर सकते हैं, या इसके आंसर देने के लिए हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 5, ई का 3, इस तरह से हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 तक।